नमस्कार दोस्तों, खेती बाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों आज आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में अनार के विषय में कि जिसे दोस्तों देख रहे हैं इस अनार आखिर इतना क्यों फटा हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं इतना अनार फटा हुआ, यानी सारा का सारा इसमें फट गया। किस वजह से फटा, किस वजह से नहीं फटा, हम सभी को बताएंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखेंगे, अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दबाएँ ताकि दोस्तों खेती बाड़ी संबंधित अपडेट संबंधित मुझे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसे दोस्तों ये वही जगह है जिसे आप सभी को मैंने देख बताया था कि दोस्तों मेरे पास इतना रिश्ता है कि जैसे दोस्तों में सारा का सारा अनार फट गया, 90% लगभग फट चुका है। दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि हिसाब से अनार फटा हुआ है। ये क्या कमी इसमें हुई है हम आप सभी को दिखा रहे हैं इस वीडियो में, क्या वजह से फटा हुआ है। इसे पे अनार देख लीजिए किस फट गया है, कोई कोई कहीं अनार बचा हुआ, बाकी सारा का सारा फट गया है। दोस्तों पहले होल आप देख लीजिए कि हिसाब से मैं होल इसको सेट किया हूँ, यानी तीन बार में इसको होल चेंज करना पड़ा क्योंकि पानी नहीं है, तो इसलिए इसको मैं कंट्रोल करते करते यहाँ तक लाया। लेकिन फिलहाल बच नहीं रहा है क्योंकि पानी है नहीं। पत्ती आप देख सकते हैं इसमें कि जो भी पत्ती के हिसाब से डाउन हो रहे हैं, सारी की सारी पत्तियाँ नहीं मुरझा रही हैं क्योंकि दोस्तों पानी इस पर नहीं है। जैसे पानी जैसे पिछले साल था को बहुत ज़्यादा पानी था, ये जो दूसरा वीडियो आप सभी देखा जाए वहाँ पर पानी अस्थाई भरा है, तो हम अपने हिसाब से वहाँ पे चार दिन से पानी डाल देते हैं, शाम को डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ऐसा है किनारे ये फट जाता है। जैसे हम छोटा भी करते हैं, छोटा छोटा करते करते तीन बार मैंने होल चेंज इसमें से किया, इसीलिए दोस्तों ये फट गया। क्योंकि पानी ज़्यादा होता तो बराबर डालता, कोई दिक्कत नहीं, होल नहीं छोटा बड़ा करना पड़ता, लेकिन पानी नहीं तो इसलिए मैं इसको होल छोटा बड़ा किया हूँ, इसलिए ऐसा फट गया है। इसमें मेरी गलती नहीं, गलती है कि जो पानी नहीं है, तो इसलिए मैं पानी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ कि थोड़ा पानी में हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अनार फट रहा है। तो अगर आपके पास अनार है तो दोस्तों उसमें जो है होल पर छिड़काव नहीं करना चाहिए, जिससे मैं पहले आप सभी को पहले बता चुका हूँ कि अनार जब यानी फटने लगे, दाना बढ़ना शुरू हो जाए, तब होल सेट कर लीजिए और पानी आप टाइम पे टाइम दे दीजिए। यानी जो टाइम पे आप पानी डालते हैं, जैसे शाम को 6 बजे डालते हैं और 4 दिन से डालते हैं, तो 4 ही दिन से डालें, उसमें पानी घाटा बढ़ी ना करें। अगर घाटा बढ़ी करेंगे तो दोस्तों अनार जरूर फट जाएगा। दोस्तों इसमें वही सिस्टम हुआ है कि जैसे कि पानी कभी कभी जैसे मैं मोटर चलाता हूँ, पानी ख़त्म हो जाता है तो पानी नहीं रहता है, तो इसमें जो है पानी कम होता है, तो इसलिए अनार फट जाता है। दोस्तों इसमें हम 4 दिन से पानी डाल पाते क्योंकि मेरा नंबर 2 दिन से आता है, तो उसके बाद मैं कभी 4 दिन से आता तो इसलिए पानी नहीं बराबर मिलता है, तो इसलिए दोस्तों ये अनार फट गया है। ये नहीं हुआ का सब पूरा साल का साल पूरा बेकार हो गया। तो इसलिए अगर आप दोस्तों लगाए हो तो इसके लिए स्प्रे में टंकी रख लीजिए कि ताकि उसमें पानी भर लीजिए, जितना पानी डालते हैं उसमें टाइम से पानी आप डालें ताकि आपका अनार ख़राब ना हो, क्योंकि मेरा तो ये ख़राब हो गया, लेकिन मैं सोचता आप लोगों को अनार ख़राब हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सर दोस्तों अनार ये नहीं फट रहा, इसी वजह से फट रहा फट जाता है। अगर पानी आप कम लापरवाही करेंगे तो पक्का किनार फटेगा। जो आप सभी को मतलब पहले भी दिखाया था, इससे पहले जो वीडियो आप सभी को दिखाया था उसमें भी एक भी अनार नहीं फटा, क्योंकि उसमें हम शाम को पानी डालते हैं तो 4 दिन से यानी 4 दिन के बाद और 7 बजे डालते हैं, तो 7 बजे डालते हैं इसमें लापरवाही नहीं करते, तो एक भी अनार उसमें नहीं फटा हुआ है। लेकिन इसमें लापरवाही हो जाती है क्योंकि पानी है, तो इसलिए लापरवाही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा ये बताएं, आप सभी को फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके बाय।